Yes, the leaders have agreed to form an alliance, PDP, National Conference and Congress. It is at the level of leaders, and leadership only can say what are the contours of this alliance. It has not come down to us as MLAs. I am an MLA. I have been only told this much, and alliance has been agreed. That is all. Today is Eid Milad-un-Nabi. No further progress. So no further progress to us. देखिए हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मैं आप लोगों से मिलता हूं, मैं पीडीपी एमएलएस की मीटिंग भी आज बुलाई थी। नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी। मैं ऑनेस्टली सच कहूंगा, आज हरीसा का मौसम है, हरीसा खाते हैं, ऐसे ऐसा तो चलता ही रहता है। आज आपकी मुलाकात हुई, इस बात को चर्चा हुई? नहीं, मेरी कोई अलायंस के बारे में कोई ऐसी मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जनरली वी ऑल मीट, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन ये लीडरशिप लेवल पे है, अभी ये बात कन्फर्म्ड है। यस, देर इज अ सीरियस लेवल ऑफ डिस्कशन विच हैज टेकन प्लेस, एंड आई थिंक एन अलायंस हैज बीन एग्रीड। व्हाट आर द कंटूर्स ऑफ द अलायंस, कब बनेगी, क्या बनेगी, कैसे बनेगा, ये है कि मेजॉरिटी मुझे लगता है करीबन 60 MLAs एक जो एक प्लेटफॉर्म है वो 60 MLAs का है। क्यों? मसला कश्मीर इस वक्त, कश्मीर और कश्मीर के हालात और यहाँ के जो हमारी एक आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी की तशक्कुस के लिए ये अलायंस बन रही है, किसी कोई हुकुमरानी के लिए नहीं बन रही है। इट इज़ ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर स्पेशल identity which we have in the constitution of India. I think the leaders have agreed. That is all what I know about it. नहीं, मुझे नहीं नहीं मुझे honestly I have no details. अगर कोई भी जो चीज हो रही है वो खाली लोगों की aspirations को respond किया जा रहा है, और जो हमारा special status है, जो हमारा तशक्कुस है, 370 is under attack, 35A is under attack, we have to respond. We are also like commoners here, everybody, we have to respond to this situation. As elected representatives, we have to respond. Altaf sahab, jis tarah third front upar raha tha, kya usse dar kar ye kadam uthaya ja raha hai? देखिए, डेमोक्रेसी में बहुत सारे फ्रंट आएंगे, डेमोक्रेसी तो इसी का नाम है, लेकिन यहाँ कोई फ्रंट नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2/3 60 लोग, 61 लोग अगर मिलेंगे तो 2/3 ही बनेगा ना। बताया जा रहा है सर, यू रन द गवर्नमेंट फॉर 2 लॉन्ग इयर्स, बिकॉज़ देयर इज अ टाइम, और यू विल डिसॉल्व इट एज द रूमर्स आर कमिंग। मैंने कहा हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें ऑनेस्टली इतनी पता है कि लीडर्स ऑफ थ्री पार्टीज हैव अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट दे शुड रिस्पोंड टू द सिचुएशन व्हिच हैज इमर्ज्ड। इतना लेट क्यों ख्याल आया? यस सर, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा, हमने लोगों के एस्पिरेशंस को ही मद्देनजर रख के काफी सारी चीजें की, जिनके लिए हमें ब्लेम भी किया जाता है कि ये मेन स्ट्रीम पार्टीज है, इन्होंने क्यों ऐसे किया। सो ऐसा नहीं है, देयर आर डिफरेंट वे। नहीं नहीं, ऐसी है बिल्कुल बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लीडर जो लीडर्स हैं वही, उन्हीं में से कोई होगा, कौन होगा, क्या होगा, हमें कोई नहीं। खैर, ये मसला चीफ मिनिस्ट्री का नहीं है, ये इस वक्त मसला है रिस्पॉन्ड करना एक सिचुएशन को, जिसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। पर हमारी कोशिश, हमारी कोशिश, देखिए हाइपोथेसिस पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, और हाइपोथेसिस पे मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। वी विल रिएक्ट टू अ सिचुएशन एज इट व्हेन इट डेवलप्स एनीथिंग। हमें अभी तक यही पता है, यस, द लीडर्स ऑफ दीज थ्री पार्टीज हैव agreed to go ahead with an alliance. What are you expecting it to announce it formally? Inshallah, mujhe lagta hai jaldi hi announce hoga formally, aisa kuch nahi hai, jaldi hi hoga. Should be aisa mujhe lagta hai, aisa hi hona chahiye. Sir, kal NC ka core group ka meeting hai, will you will also participate in that and then you will formally announce it with the national conference? Honestly, mujhe pata nahi hai unka core group ka hai, mujhe ye bhi pata nahi hai hamari party ka mil rahi hai, lekin aaj ka mujhe 100% pata hai ki aaj kyunki Eid Milad-un-Nabi sallallahu alaihi wasallam hai, isliye aaj koi nothing has been planned for today because